चलिए भाई लो एनसीईआरटी भी दे दो। देखो कुछ अभी इतना ना पहले टिग्नोमेट्री वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स, कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स। तो बेटा मैं क्या देखता हूं कि वन प्लस जो साइन टू एक्स होता है ये होता क्या है, किसका फॉर्मूला होता है? साइन एक्स प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर, ये होता है साइन एक्स प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना ही है बेटा। कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स जो होता है, वन प्लस साइन टू एक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर। अब मैं साइन एक्स प्लस कोसेक्स को टी मानूंगा, लेट साइन एक्स प्लस कोसेक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसेक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी, कोसेक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी। तो ये आ गया आपका डी टी अपॉन टी स्क्वायर, डी टी अपॉन टी स्क्वायर। वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस वन बाई टी, तो माइनस वन बाई टी, टी की वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस कोसेक्स प्लस माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कोसेक्स प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन लिख लीजिए इसको। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि नीचे आपको वन प्लस साइन टू एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, साइन एक्स प्लस कोसेक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हुआ रोहित, तुम तो आ रहे थे ना बेटा। हाँ गाड़ी नहीं तो घर पर भी कोस टू एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर वही देखो दो मेथड है, या तो इसको क्या लिख दो वन प्लस साइन, पहला मेथड तो ये, या तो हम इसको वन प्लस साइन टू एक्स लिखें या फिर आप ऊपर वाले को फॉर्मूला। तो पहला मेथड ये लगा रहा हूं, फर्स्ट मेथड, अभी मैंने बोला को वन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, वन प्लस साइन टू एक्स कोस एक्स, ये पहला मेथड। लेट वन प्लस साइन टू एक्स को टी ले लो, साइन का डेरिवेटिव कोस टू एक्स और टू एक्स का टू, तो ये आ गया कोस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। तो ये आ गया वन बाई टू डी टी बाई टी, तो आंसर आ गया वन बाई टू लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू हमें पता है वन प्लस साइन टू एक्स, पहला मेथड। ये हमारा पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में क्या करें, हम कोस टू एक्स को लिख दें बेटा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक और कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
सेकंड मेथड, भाई हमारे पास कोस टू एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, कोस टू एक्स को लिख दो आप कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर उसके फैक्टर कर दिए कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि ये इससे क्या हो गया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा, तो ये आ गया लॉग कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस। अब बेटा इस वाले आंसर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, सेम आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का पावर आगे आ जाएगी, वही का वही आंसर। तो ये दो प्रॉब्लम कुछ इस मतलब इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, टेन एक्स की पावर फोर टेन एक्स की पावर फोर अब इसको हमें लिखना पड़ेगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और एक टेन स्क्वायर एक्स को लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दो, ऐसे लिखोगे भाई sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, इस वाले tan स्क्वायर x को मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x माइनस वन, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस वन। टेन एक्स को टी ले लेंगे, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, या आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या आ गया टी स्क्वायर डी टी, इसको एज इट इज लिखा लेने देंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाय थ्री, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और प्लस वन एक्स प्लस, और टी को क्या लिख देंगे हम टेन एक्स टेन क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस, ठीक है इस तरह से हो जाए। चलिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, भाई मैंने क्या बोला था एक्सरसाइज 7.4 तो करवा दिया था, पार्शियल फ्रैक्शन
देखो आपकी जो प्रॉब्लम आएगी पार्शियल फ्रैक्शन पर या आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उस पर आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। एक प्रॉब्लम तो पक्का है, ये दोनों में से आएगी सही, पक्का है। बाकी देखते हैं सीबीएसई क्या चाहता है कि कब तक करेगा एग्जाम चालू। पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले तीन पार्ट है भैया अपना, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स, फर्स्ट पार्ट व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, कंटेन्स डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, कैसे dx अपॉन x प्लस टू टू एक्स माइनस थ्री व्हेन डिनोमिनेटर कंटेंट डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। अब ये देखो ये अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। अब यदि ये डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर आ रहे हैं तो इनका जो इंटीग्रल इनका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो जरा वन अपॉन एक्स प्लस टू 2x minus 3, this is equal to a upon x plus 2 plus b upon 2x minus 3, a upon x plus 2 plus b upon 2x minus 3, तो ये आ गया 1 equal to a into 2x minus 3 plus b into x plus 2, a into 2x minus 3 plus b into x plus 2. Now put x equal to minus 2. X equal to minus 2. Rakha bhai minus 2. Minus 4 minus 3. ये तो जीरो हो ही गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया भाई, माइनस वन बाई सेवन। ए आ गया हमारा माइनस वन बाई सेवन। नाउ पुट एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, तो ये आ गया आपका वन इक्वल टू बी थ्री बाई टू प्लस टू, कितना हो गया 7 बाई टू। तो b का वैल्यू कितना आ गया भाई हमारा 2 बाई सेवन, b का वैल्यू 2 बाई सेवन। सो देयरफॉर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a का वैल्यू माइनस वन बाई सेवन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू प्लस 2 बाई सेवन डी एक्स अपॉन, बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन और 1 अपॉन 2x माइनस 3 का बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया, तो देखो 1 बाय 7 दोनों में से कॉमन आ गया, तो log 2x माइनस 3 माइनस log x प्लस 2, ये आ गया log a माइनस log b कितना हो गया log a बाय लोगे, ये इसका लॉग ए बाय बी।
चलिए आगे देखो। टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन, टू एक्स या एक्स प्लस थ्री, इसको मुझे इंटीग्रेट करना। अब मैं ये देख रहा हूं कि ऊपर की डिग्री भी देखते चलना भाई, ऊपर की डिग्री वन है थ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, ऊपर की डिग्री बराबर या ज्यादा आनी चाहिए। तो लेट टू एक्स माइनस थ्री दिस इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये आ गया टू एक्स माइनस थ्री ए एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। Now put x equal to 0. A का वैल्यू माइनस वन, पुट x इक्वल टू माइनस वन, तो b का वैल्यू फाइव बाई टू, पुट x इक्वल टू माइनस थ्री, तो c का वैल्यू माइनस, बस हो गया एनडीए से। therefore माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये आ गया माइनस लॉग एक्स प्लस फाइव बाई टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाई टू लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम डिग्री, डिवाइड नहीं करना, वन क्यू आ रहा है उसका रीजन भी समझो, कितना आ रहा है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे वन आ रहा, तो आपका इसका पार्शियल फ्रैक्शन भूलना मत, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन इनटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, वन प्लस ए अपॉन एक्स माइनस फोर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस फाइव सिक्स वन एक्स माइनस सिक्स, यह इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ये आ गया x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स
प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स माइनस इस तरह से लिखो। चलिए नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन भाई वैल्यू देखो, कोट एक्स इक्वल टू फोर, कोट एक्स इक्वल टू फोर, फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस टू टू, फोर माइनस थ्री वन, फोर माइनस फाइव माइनस वन माइनस टू, तो ए का वैल्यू थ्री आ गया। नाउ कोट एक्स इक्वल टू फाइव, फाइव माइनस वन फोर, फाइव माइनस टू थ्री, फाइव माइनस थ्री टू, फाइव माइनस फोर वन माइनस वन, तो बी का वैल्यू माइनस ट्वेंटी फोर। पुट एक्स इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स माइनस वन फाइव, सिक्स माइनस टू फोर, सिक्स माइनस थ्री थ्री टू वन, तो सी का वैल्यू थर्टी। तो इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं। सो देयरफॉर वन डी एक्स प्लस थ्री डी एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर प्लस माइनस ट्वेंटी फोर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव और प्लस थर्टी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस सिक्स। वन का इंटीग्रेशन है एक्स, थ्री लॉग एक्स माइनस फोर माइनस ट्वेंटी फोर लॉग एक्स माइनस फाइव प्लस थर्टी लॉग एक्स माइनस सिक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन प्लस। चलिए नेक्स्ट, एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है इसकी, मैंने पहले भी बहुत बार करवा चुका हूं। डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स, डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स, तो सबसे पहले हम साइन टू एक्स को ओपन कर लेंगे, टू साइन एक्स। चलिए अब आ रही आवाज, यस सर।
चलिए, तो मैंने क्या बोला, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन टू साइन एक्स साइन टू एक्स, तो टू साइन एक्स कोस एक्स क्या कॉमन आ गया, साइन एक्स। वन माइनस टू कोसेक्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बताओ क्या करते हैं, क्योंकि अटकते तो यही है, इसके बाद क्या करेंगे, ऑनलाइन कौन बताएगा, किससे बोला, कोसेक्स से करने से क्या फायदा होगा, उल्टा बोल, साइन एक्स से ऊपर नीचे करें भाई, यहां से साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइन एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, और कोस एक्स को टी मांगो, समझ में आया। और ये याद रखो भाई, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वन माइनस टू कोस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स को टी मान लो, ये आ गया माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू डी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी, माइनस डी टी वन माइनस टी स्क्वायर वन माइनस टी टी, कोई दिक्कत वन। अब ये नीचे वाला माइनस वन माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस वन वन माइनस टी टी, टी स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर टी प्लस वन टी माइनस वन वन माइनस टू, इस तरह से टी प्लस वन टी माइनस वन वन माइनस टू। अब लेट, अब इनका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, वन बाय टी माइनस वन टी प्लस वन वन माइनस टू टी, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस वन प्लस सी अपॉन वन माइनस टू। एलसीएम ले लो, ए इंटू टी प्लस वन वन माइनस टू टी प्लस बी इंटू टी माइनस वन वन माइनस टू टी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस वन टी प्लस, और टी इक्वल टू वन, तो वन इक्वल टू ए वन प्लस वन टू माइनस वन, ए का वैल्यू माइनस वन बाई टू, और टी इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया आपका वन इक्वल टू बी माइनस टू थ्री, तो बी का वैल्यू, और फोर टी इक्वल टू वन बाई टू, तो ये हो गया वन इक्वल टू सी माइनस वन बाई टू और थ्री बाई टू, तो सी का वैल्यू माइनस फोर बाई टू, सी का वैल्यू माइनस फोर बाई टू। सो ए इक्वल टू माइनस वन बाई टू डी टी अपॉन टी माइनस वन,
माइनस वन बाय सिक्स डी टी अपॉन टी प्लस वन, और माइनस फोर बाय थ्री डी टी अपॉन वन माइनस टू। माइनस वन बाय टू लॉग टी माइनस वन, माइनस वन बाय सिक्स लॉग टी प्लस वन, और माइनस फोर बाय थ्री लॉग वन माइनस टू टी अपॉन माइनस टू। टी की वैल्यू रख दीजिए, टी क्या है हमारा बेटा कोसेक्स की जगह आप एक काम करो, उसको कोसेक्स माइनस वन की जगह वन माइनस कोसेक्स से लिखा करो, वन से ज्यादा नहीं होता ना, इसलिए मॉडुलस में है इसलिए कोई फर्क पड़ने वाली बात। माइनस वन बाय सिक्स लॉग कोसेक्स प्लस वन लिख सकते हैं यहाँ पर हम, और ये हो गया प्लस टू बाय थ्री लॉग वन माइनस टू कोसेक्स प्लस, ये इसका आंसर। तो ये ऐसे होगा, क्लियर है सभी को ऑनलाइन? चलिए नेक्स्ट, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इस तरह से। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर की डिग्री ज्यादा है, यदि ऊपर की डिग्री ज्यादा आ रही है तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो पहले आप रफ में डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई कर लेना आप रफ में, तो मेरे को तो पता है कि इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। भाई कैसे करता हूँ, थ्री माइनस टू कितना हो वन, तो वन एक्स, और थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस वन, इससे आगे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है ना, यदि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता तो फिर मैं उसका रिमाइंडर भी निकालूंगा, लेकिन यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है तो मुझे सिर्फ किससे मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है, बाकी मुझे किसी से भी मतलब नहीं। तो इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कुछ इस तरह से होंगे, x माइनस वन प्लस a अपॉन प्लस b अपॉन x प्लस, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आ गया आपका x क्यूब प्लस वन इक्वल टू x माइनस वन x माइनस टू x प्लस थ्री प्लस ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, पुट एक्स इक्वल टू टू, एट प्लस वन, तो बी की वैल्यू नाइन बाई फाइव। पुट एक्स इक्वल टू b की वैल्यू क्या सर, पुट x इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस ट्वेंटी सेवन वन प्लस वन माइनस ट्वेंटी सिक्स, तो b का वैल्यू ट्वेंटी सिक्स बाई फाइव। ये हो गया, लिखो यहां
अब इंटीग्रेशन, देयरफॉर एक्स माइनस वन डी एक्स, ए का वैल्यू आ गया 9/5 एक्स माइनस टू और बी का वैल्यू डी एक्स अपॉन माइनस एक्स प्लस 9/5 लॉग एक्स माइनस टू प्लस 26/5 लॉग एक्स प्लस प्लस सी, यस कौन सा? ठीक है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब ये नीचे तो क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, फिर क्या करेंगे क्वाड्रेटिक आ गया, ए एक्स प्लस बी, क्या जरूरत आ गया, ये हम क्या करते हैं, हमारे साथ यही दिक्कत होती है, हम क्या क्वेश्चन को देख के, हम क्या है कि अच्छा एक्स स्क्वायर आ रहा है सर, एक्स स्क्वायर को डिलीट, हाँ करना क्या है, अरे आप ऊपर भी तो उसका डेरिवेटिव भी तो देखो, ऊपर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आ रहा है कि ऊपर, तू लेंथी करने में तू लोगे, और यही गलती होती है सभी से, आपको यही प्रॉब्लम दी जाएगी तो 90% स्टूडेंट क्या करेगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और गड़बड़ कर देगा, किसी ने दिमाग ज्यादा लगा दिया तो इसके फैक्टर कर दिए, x प्लस टू एक्स माइनस टू, तो c अपॉन x प्लस टू डी अपॉन x माइनस टू, ये लो चार चार वेरिएबल निकालते रहो, लास्ट में आंसर वही का वही आने वाला है जो आएगा, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है और ये x आ रहा है, तो ये इसका डेरेटिव है तो सही, तो हम क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ये छोटी छोटी गलतियां मत क्या करो, मतलब क्वेश्चन को देखते ही टूट के मत पड़ा करो, 2x dx equal to dt, तो x dx equal to dt by 2, यह आ गया 1 by 2 भाग dt upon t plus 1 t minus 4, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, और नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता रखी है, 1/2 इंटू छोटा माइनस बड़ा, तो ये आ गया 1/10 लॉग टी माइनस फोर माइनस लॉग टी प्लस वन, तो 1/10 लॉग t माइनस फोर अपॉन टी प्लस वन प्लस, और t की वैल्यू क्या रख दे हम, एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया 1/10 log दिस, चलो एक और कर लेते हैं।